मुझे लगता है कि आज के अगर हम दुनिया को देखें तो आज भी हमको दुनिया में भी, माने अगर हम अभी देखें तो रूस में पुतिन की तानाशाही, अगर हम अमेरिका में देखें तो हाँ ट्रंप की का हार तो हुआ, लेकिन ट्रंप जिस तरह का समर्थन, जनसमर्थन पाए, वो जनसमर्थन अभी भी वहाँ पर है। और एक तरह से बाइडेन के बाद में हो सकता है वो दोबारा कोशिश करें और हार होगी कि जीत होगी कहा नहीं जा सकता। उसी तरह से नरेंद्र मोदी का भी अभी हम देखते हैं, या तुर्की में देखिए तो एर्दोगान का देखिए, तो तानाशाहियाँ बहुत सारे हैं दुनिया में अभी भी, जो कि बोलने की आज़ादी को रोकते हैं, जो कि अपने देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको दबाते हैं, जो कि उनके देश में जो महिलाओं के अधिकार हैं उसको दबाते हैं, उनके देश में जो तमाम तरीके हैं रहने, रहन सहन के, जीने के तरीके हैं उसको दबाते हैं, उनके जो रूल रेगुलेशन है उसको ना मानिए तो आपका जान खतरे में है, आपको जेल हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, ये हालात बनाते हैं। तो ये हालात मुझे लगता है कि हमारे देश में तो ज़रूर है, ये देखा जा रहा है। और मिहिर जी ने भी इनको गिनाया कि किस तरह से CNRC से लेकर के बीफ बैन वाले, तो कानून भी इस तरह के बनाए जा रहे हैं। ये चीज़ें सिर्फ कानून के बाहर नहीं हो रही हैं, सरकार है क्योंकि, तो सरकार कानून के जरिए भी इस उत्पीड़न को करती है। तो यहाँ कर्नाटका में या अन्य राज्यों में भी एंटी कन्वर्जन लॉ बनाना, तो एंटी कन्वर्जन लॉ के बहाने एक तरह से उन्हें हिंदू मुस्लिम में प्यार होना, शादी होना, इसको भी रोक, इस पे रोक लगाना वगैरह वगैरह, लव जिहाद कह करके इसको, ये कह करके रोकना। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं। तो जब हम अपने यहाँ इसको देखते हैं तो हाँ, हमें अपने यहाँ, तो हम तो भारत के नागरिक हैं, हमें तो भारत में लोकतंत्र को बचाना है, हमें बिल्कुल उसमें लड़ना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे लगता है कि दुनिया में और भी जगह, क्योंकि लोग लड़ रहे हैं, तो हमें और जहाँ जहाँ पर भी, क्योंकि हमको पूरी दुनिया में हमको एक लोकतांत्रिक माहौल चाहिए ना, तो जहाँ जहाँ पे दुनिया में लोग लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, उनके साथ हमको हाथ मिलाना चाहिए। तो वो चाहे अमेरिका में अगर महिलाएं इस समय अबॉर्शन के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, अगर वो आप ले लीजिए अफगानिस्तान में महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि ज़बरदस्ती हमको ऊपर से लेके नीचे तक हमको क्या पहनना है नहीं पहनना है वो हम तय करेंगे, ज़बरदस्ती आप कानून नहीं बना सकते कि सर से पैर तक आपको ढके रहना पड़ेगा, अगर आप काम करती हैं, अगर आप टीवी एंकर हैं तो आप नहीं ढके हैं तो नहीं आ सकती, ये वो लड़ रही हैं। उनके साथ में पुरुष एंकर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में, वो है पुतिन जो है वो हमला कर रहे हैं यूक्रेन पे, तो यूक्रेन की जनता भी लड़ रही है, और रूस के अंदर रूस के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए उनको लंबे लंबे जेल की सज़ाएं हो रही हैं। तो हम अकेले नहीं हैं, हम यहाँ लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए और इतने सारे खतरे मोल करके लड़ रहे हैं, जेलें हो रही हैं, जेल की सज़ा हो रही है, यहाँ कर्नाटका में गौरी लंकेश की हत्या हुई, उस तरह की हत्याएँ तक हो रही हैं। तो लेकिन हम अकेले नहीं हैं, दुनिया में ऐसे ही लोग तानाशाही से लड़ने वाले और भी जगह लोग हैं। तो इससे हम उम्मीद ढाढ़स बनाएं, ढाढ़स बांधें, उम्मीद बनाएं और लड़ते रहें।